रात को भूख लगी हुई है, बाहर का खाना खाना है, पर लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई मसला नहीं, ये कराची है। अस्सलाम वालेकुम। अभी रात के 12 बज रहे हैं और आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हम पूरा दिन व्लॉग करेंगे। अब आप सोच रहे हैं रात के 12 बजे व्लॉग, क्योंकि असल दिन तो रात के 12 बजे ही शुरू होता है ना यार। तो आज आपका भाई पूरा दिन व्लॉग करेगा, जो भी दिन में होता है, रात में होता है, जो भी होता है वो सब आपको दिखाऊंगा मैं। और देखना कितनी बोरिंग लाइफ है आपके भाई की। लोग तो ऐसे ही कहते हैं बोरिंग है बोरिंग है, पहला व्लॉग बनाएंगे, बोरिंग लाइफ है मेरी, ये वो, सबकी एक ही रटी पटी लाइन होती है और इतनी अमेजिंग उनकी लाइफ होती है पर आगे जाके। खैर अपने को क्या, अपना तो सीन बहुत बैड है, सो चलते हैं फिर। बिरयानी हमें मिल चुकी है। जैसा कि आपने देखा ये कराची है, लॉकडाउन हो या ना हो इधर सब कुछ मिलता है, तो फिर अभी हम खाएंगे। देखो एवरीथिंग इज टेम्पररी बट बिरयानी इज परमानेंट, गॉट माय पॉइंट? बिरयानी में अगर मिर्चे ना हो ना तो वो बिरयानी नहीं होती। लाला लाला है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी बज रहे हैं सुबह के 6, ना मैं नहा भी चुका हूँ, नमाज भी पढ़ चुका हूँ, अब नाउ वेलकम टू मास्टर शेफ़ विद शाजिल, क्योंकि इस वक्त तो कुछ खाने को होता नहीं है मेरे पास। सो अभी हम आपको कुछ ऐसी डिश बना के दिखाएंगे कि आप कहेंगे वाह शादिल भाई वाह मास्टर शेफ। सो लेट्स गो। सबसे पहले ले लें आप एक अदद कढ़ाई, डालें तेल स्वाद अनुसार, इसमें डालें नगेट्स या जो भी आपको डालना है, आग लगाना तो भूल ही गए थे हम। अब इसको धीमी आंच पे पकने दें। तैयार है फिर मानते हो ना 5 मिनट में शेफ हूँ, नहीं मतलब 5 मिनट में इतनी अच्छी चिकन की डिश कोई बना सकता है? आय हाय हाय। रेसिपी के लिए मैसेज कर दीजिएगा भाई को, आपका भाई भेज देगा। मुश्किल है पर सीख जाओगे सीख जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल है पर सीख जाओगे सीख जाओ। पहले मैंने सोचा कि मैगी बनाई जाए, फिर मैंने सोचा उसकी रेसिपी जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, तो आप लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए फिर हमने थोड़ी हल्की रेसिपी सिखाई है आप लोगों को, तो उम्मीद है आप लोग सीख जाओगे, मुश्किल है पर सीख जाओगे। तो नहाने वाली बात मैंने इसलिए बताई ताकि आप लोगों को यह ना पता चल सके कि मैं 2-2 महीने बाद नहाता हूँ। मजाक कर रहा हूँ मजाक। अभी मैं हैरी पॉटर देख रहा हूँ। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि देखो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ या कुछ, इसके 2 रीज़न हैं। पहला कि जब आप ये देखेंगे तो जाहिर सी बात है आप स्टोरी पे लगाएंगे, और जब आप स्टोरी पे लगाएंगे तो आप काफ़ी कूल लगेंगे और आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। और दूसरा रीज़न ये है कि इससे बड़ा रीज़न कुछ हो नहीं सकता, तो दूसरा भी यही रीज़न है। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और अब मैं सोने लगा हूँ, चूँकि मेरा दिन बहुत ज़्यादा ही बोरिंग होता है और आप लोगों को पता है, तो मैं व्लॉग यहीं पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। सो इसी तरह के फजूल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें एंड अल्लाह हाफिज़। वो वाला पार्ट मैंने काट दिया जिसमें मैंने 100 लड़कियों को हाय हाय के मैसेज किए हैं इस उम्मीद में कि उनका कोई रिप्लाई आ जाए या कोई मुझे भी भाव दे दे। मजाक करो मजाक।